तो बड़गुण का पुल खुद कहता है कि यहाँ के जितने भी चाहे BDC हो या DDC साहिबान हो, उनकी कारकर्दगी पुल अपनी जबानी दे रहा है। ये खुद कह रहा है कि उनकी कारकर्दगी क्या, मैंने आई एम नॉट अगेंस्ट हिम बट देर इज़ वेरी पोअर रिस्पॉन्स टुवर्ड्स बड़गुण मार्केट टुवर्ड्स दिस पुल। देर इज़ वेरी पोअर रिस्पॉन्स फ्राम BDC साइड, फ्राम DDC साइड। PDC को ये पावर नहीं है कि एक टेंडर निकाला गया है 4 करोड़ 12 लाख रुपये का टेंडर निकाला, ठेकेदार गायब है। तो वट इज़ द रोल ऑफ BDC? What is the role of BDC? I resign this post. Right. This is not proper way to of service towards public. ये कौन सी सर्विस है, ये कौन सी खिदमत है? कल वो इसी बड़गुण में वोट मांगने के लिए आएंगे। मैं कहता हूँ एक वोट बड़गुण में नहीं पड़ेगा, कोई वोट नहीं डालेगा इधर। तो जो RNDB हंदवाड़ा के एग्जीक्यूशन में है, बाज़ाब्ता इसका टेंडर हुआ है, 4 करोड़ 12 लाख रुपये का टेंडर निकाला गया, वो भी जब हमने एक साल की संघर्ष में जब किया तब टेंडर निकाला गया। तो इतने अच्छा मौसम है, इतना अच्छा आज सीज़न है काम करने का, आप खुद देखिए कहाँ है ठेकेदार। इनका कहना है कि उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए की बिल फरवरी में निकाल दी, तब से लेके आज तक 4 महीने हो गए हमने ठेकेदार का मुंह नहीं देखा है। कभी कहते हैं इसका फंडस नहीं है, कभी कहते हैं कुछ, जब हमने पता किया तो 1.5 करोड़ ने रिसेंटली लिया है। तो दूसरी बात है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब कोई भी, मैं भी खुद पेशे से ठेकेदार भी हूँ, मैं बिजनेसमैन भी हूँ, कहाँ से क्या ठेक दे रही है ऐसा, तो उसको किसने कहा था इसमें ठेक टेंडर डालने के लिए? कभी सरकार एक साल के बाद भी पैसा देती है, कभी सरकार 6 महीने के बाद भी पैसा देती है। ये अगर ठेका लिया है तो उसको पहले काम करना है। जो एक्जन की बात नहीं मानेगा, जो SC साहब की बात नहीं मानेगा, हर महीने यहाँ पर प्रोटेस्ट होता है, लेकिन हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन हम एक बात कहेंगे, अगर 3 दिन के अंदर अंदर ठेकेदार नहीं आए यहाँ पर, ये पूरा बड़गुण मार्केट बंद हो जाएगा। हम सड़कों पे आएंगे और फिर ये नहीं कहना कि आपने नहीं बताया, क्योंकि इतनी जाति है कि हमारा पूरा तिजारत बैठा हुआ है यहाँ पे, जैसे कि गोली चली है, मातम हुआ है यहाँ पे, कोई है ही नहीं 2.5 साल से इनके। देखो ये मेरे ताजर लोग हैं, बिजनेस मैन जितने भी हैं, इनकी जो कमाई है इस पुल की वजह से वो ख़त्म हो गई। हंदवाड़ा जाते हैं स्कूल में पढ़ाई हासिल करने के लिए, आप देखिए आम आदमी, बूढ़े औरतें, बुजुर्ग लोग, उनको पानी से पानी से गुजरना पड़ता है, तो काफ़ी तकलीफ है। तो पूरे इलाका जो है कटा हुआ है, हरल इलाका है, अशपोरा है, सारा इस इलाका कटा हुआ है। तो आप खुद ही जानिए जब कोई इलाका कटता है तो कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चीफ इंजीनियर साहब जो रफीक साहब है, काफ़ी अच्छे डायनेमिक चीफ इंजीनियर साहब है, हमने उनके साथ भी हमने उनको एज एक्जन भी देखा है, एज SC साहब भी उनको देखा है, उनका तो काफ़ी अच्छा रोल रहता है, तभी जाके वो चीफ इंजीनियर बना है। मैं उनको अदमन गुजारिश करना चाहता हूँ, इस बात को वो सीरियस ले ले, क्यों 2.5 साल से ये पुल नहीं बन रहा है, जबकि इसका टेंडर भी हुआ है इस पुल का। जितने भी यहाँ सहस लीडर आया है वो कह रहे हैं नहीं जनाब अगले महीने काम लगेगा, जनाब अगले महीने काम लगेगा, और काम लगते लगते अच्छा खासा पैसा निकला है मरकज सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, कहने में आया 4.5 करोड़ रुपये निकले आसपास, 1.5 करोड़ शायद ठेकेदार ने पास किया बिल पिछले फरवरी में 2, और इस वक्त 4 महीने है काम करने का सीज़न है, इस वक्त पानी भी कम है इस नाले में, इस वक्त काम करने का अच्छा मौका है, और पिछले 4 महीने से ठेकेदार का एड्रेस ही नहीं है, पता नहीं ये एग्जन लोग ये ठेकेदार लोग आपस में मिला हुआ है लोग, तभी जाकर इन्हें काम नहीं हुआ इस पर। और ट्रेडर्स फेडरेशन ने आज फैसला लिया, हंदवाड़ा ट्रेडर्स और बड़गुण ट्रेडर्स फैसला लिया, अगले 3 और 4 दिन में अगर इस पर काम नहीं हुआ हमारा जब से शानदार एक धरना होगा बड़गुण में, जब भी कोई लाइन आर्डर वहाँ पे होगा, कोई टेंशन कोई प्रॉब्लम होगा वहाँ पे, उसका जिम्मेदार होगा RNB डिपार्टमेंट और ठेकेदार होगा। अब आप मार्केट का आप कैमरा घुमाए, सारा मार्केट में हाल देखे, यहाँ पे लग रहा है कोई मानते हैं कोई गुजर गया लोग, कोई है नहीं यहाँ पे, क्योंकि इस मार्केट को इस जो बाज़ार का इस एक इलाका, इसमें बड़ा इलाका जो हरल इलाका शान इलाको अपना अशवरा, वही इससे टच वाबस्ता है जनाब। ये रोड जब कट गया वो लोग एक साइड में, और साथ साथ स्टूडेंट को बहुत परेशानी होता है, ये ठेकेदारी RNB ये डिपार्टमेंट लोग, यही लोग ग्राउंड जीरो पर काम बर्बाद करते हैं। देखो क्या होता है जनाब, आज किने का मौका है, इस वक्त काम नहीं हो रहा है पुल का, अगले नवंबर दिसंबर आएगा उसमें यहाँ पे बर्फ होगा, बर्फ में काम होगा नहीं वहाँ पे, मजदूर वहाँ काम करेगा नहीं, डेफिनेटली हमारा काम वहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि लापरवाही और ठेकेदार की लापरवाही। अगर 4 दिन में हमारा प्रेजर साहब ने कहा अगर 4 दिन में काम नहीं लगा आपके चलने के माध्यम से, हमारा एक जोरदार धरना होगा, उसका जो भी लाइन होगा कोई भी अंटे वोड़ होगा, वो RNB का जिम्मेदारी है और जो ठेकेदार उसका जिम्मेदारी है।